शराब ही शराब, देख लीजिए नीतीश कुमार, जी ललचाए रहा न जाए। शराबबंदी वाले राज्य में जब खुलेआम सड़क पर मिली शराब तो लोगों का कुछ यही था हाल। शराबबंदी वाले राज्य में सड़क पर ये शराब ऐसे ही पड़ी हुई मिली, वो भी एक दो बोतल नहीं, पूरा का पूरा एक ट्रक शराब, जिसको लूटने वालों की होड़ लग गई। जैसे ही लोगों को पता लगा कि बियर लदा ट्रक यहाँ पलटा है, लोग घटना स्थल की ओर दौड़े दौड़े भागे और शराब लूटने लगे। तो शराबबंदी वाले राज्य में सड़क पर खुलेआम लूट रही शराब, ये घटना है पूर्णिया की। अहले सुबह बियर और शराब से भरा ट्रक पलट गया, उसके बाद बियर लूटने वालों की होड़ मच गई। जब तक पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, बियर की कई पेटियां साफ हो चुकी थी। फिर प्रशासन ने काफी मात्रा में पलटे ट्रक से बियर की कई पेटियां जब्त कर ली। ये घटना जिला के सदर थाना क्षेत्र के गुलाब बाग शीशाबाड़ी के पास की है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्णिया SDPO पुष्कर कुमार ने क्या कुछ बताया है, आप सुनिए। ट्रक जा रही थी जो पानीपत से अरुणाचल प्रदेश के लिए चला था कंटेनर, वो कंटेनर शीशाबाड़ी के पास 0 माइल गुलाब बाग के पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें बियर लदा हुआ था। तत्क्षण उसको हम लोग अपने कब्जे में लेके और उसको गाड़ी से अनलोड करवा के बियर को थाना पर सुरक्षित रखा गया है। प्रथम दृष्टि एक्साइज के सुपरिटेंडेंट को बुला के जाँच कराई गई तो उसमें पता चला कि गोपालगंज के पास इसमें डिजिटल लॉक लगा है। और उसके बाद जो गाड़ी जो माल के ऑनर है उनका भी फ़ोन आया कि मेरा वैध रूप से पानीपत से बियर जो है अरुणाचल प्रदेश जा रहा है, सारा हम डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। तो उसको गिनती करके काउंट करा के सुरक्षा थाना में रखा गया है और उसकी विधिवत जो भी कागज़ डॉक्यूमेंट है उसकी जाँच की गई है और उसको जब मालिक आएंगे तो उसको जो उचित पहचान पर उसको मुक्त किया जाएगा। तो सुना आपने, पूर्णिया SDPO का कहना है कि ट्रक गोपालगंज के रास्ते जा रही थी, वही रास्ते में डिजिटल लॉक भी लगा लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वही घटना के बाद कंटेनर चालक फरार है। कंटेनर पलटने के बाद बियर की केन सड़क किनारे बिखर गई। पूर्णिया से अमित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।